नमस्कार, नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आप दर्शकों के डिमांड को देखते हुए आज से हम अपने स्टेट में प्रश्नों की संख्या बढ़ा रहे हैं। आज से प्रश्नों की संख्या 15 रहेगी। आज से इस वीडियो में हम आपको 15 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। ये सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, अर्थशास्त्र और भूगोल से रहेंगे। तो आइए देखते हैं आप कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। सवाल नंबर 1, बिहार में बहने वाली किस नदी का उद्गम स्थल गोसाई थान है? ए गंडक, बी सोन, सी कोसी, डी बागमती। इसका सही जवाब है सी कोसी। सवाल नंबर 2, बिहार के किस जिले में चाय की खेती होती है? ए पश्चिमी चंपारण, बी किशनगंज, सी कटिहार, डी सहरसा। इसका सही जवाब है बी किशनगंज। सवाल नंबर 3, विक्रमशिला विश्वविद्यालय आधुनिक बिहार के किस जिले में है? ए नालंदा, बी सासाराम, सी भागलपुर, डी पटना। इसका सही जवाब है सी भागलपुर। सवाल नंबर 4, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ए 1905 में, बी 1909 में, सी 1906 में, डी 1911 में। इसका सही जवाब है ए 1905 में। सवाल नंबर 5, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी? ए सरदार पटेल, बी महात्मा गांधी, सी विनोबा भावे, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब है सी विनोबा भावे। सवाल नंबर 6, मौर्य वंश के बाद किस वंश का राज स्थापित हुआ था? ए शक वंश, बी शुंग वंश, सी कुषाण वंश, डी सातवाहन वंश। इसका सही जवाब है बी शुंग वंश। सवाल नंबर 7, शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करता है? ए थैलेमस, बी हाइपोथैलेमस, सी सेरेबेलम, डी मेड्यूला। इसका सही जवाब है बी हाइपोथैलेमस। सवाल नंबर 8, एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? ए तरंग दैर्ध्य की, बी ऊर्जा की, सी आवृत्ति की, डी वेग की। इसका सही जवाब है ए तरंग दैर्ध्य की। सवाल नंबर 9, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए सरकार ने नए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दी? ए जम्मू और कश्मीर, बी अंडमान और निकोबार, सी लद्दाख, डी चंडीगढ़। इसका सही जवाब है सी लद्दाख। सवाल नंबर 10, भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी केरल। इसका सही जवाब है बी तमिलनाडु। सवाल नंबर 11, यूपीएससी के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? ए सुप्रीम कोर्ट के जज, बी भारत के राष्ट्रपति, सी भारत के प्रधानमंत्री, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी भारत के राष्ट्रपति। सवाल नंबर 12, इनमें से कौन भारत में केंद्र सरकार की अध्यक्षता करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी गृह मंत्री। इसका सही जवाब है ए प्रधानमंत्री। सवाल नंबर 13, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? ए 11, बी 7, सी 6, डी 10। इसका सही जवाब है सी 6। सवाल नंबर 14, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, डी चतुर्थ। इसका सही जवाब है सी तृतीयक। सवाल नंबर 15, रेगुड़ किस मिट्टी को कहते हैं? ए लाल मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी काली मिट्टी, डी लैटेराइट मिट्टी। इसका सही जवाब है सी काली मिट्टी। पिछले सेट में हमारे जिन दर्शकों ने सबसे ज्यादा सही जवाब दिए उनके नाम है जयेंद्र कुमार, प्रभात कुमार, सुमन साफी, संतोष कुमार, पूजा कुमारी, सौरभ मिश्र, प्रतिमा कुमार, दिनेश कुमार, रंजन कुमार, श्रवण कुमार, नीरज कुमार, काजल कुमारी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस सेट में आप कितने सवालों के जवाब दे सके हैं आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। सबसे ज्यादा सही जवाब देने वालों का नाम हम अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।